الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج الاستجواب ديل كي उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बफीयत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज के रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर वरकत से हम को हिस्सा नसीब फरमाए जो ज़िंदगी गुजर चुकी उसमें होने वाली ख़ताओं को अल्लाह रबु लज़त मुआ फरमाए और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह रबु इज़त हर तरह की बीमारियों परेशानियों बेसकूनीों से बचाते हुए खैरआफियत तंदरुस्ती सलामती ईमान और इंसानियत के लिए मनफियत वाला बनाए नाजिक राम प्रोग्राम जस्तूँ के अंदर हर हफ़्ता हम नबी करीम सल्ला वसलम की सैरत तयबा के हवाले से गुफगू करते चले आ रहे हैं हमने नबी करीम सल्ला वसम की विलादत बात से कबल के वाक़ात को भी बयान किया उस वक़्त सोसाइटी की जो मुख्तलिफ जहतें थी जो उनके अकायद थे नज़रियात थे और जो सियासी समाजी उस वक़्त की कैफियात थी उनका हमने तफसील के साथ तस्करा किया फिर नबी करीम सल्लाम की विलादत आपके बचपन लड़कपन और इसी तरह से आपकी जवानी और अलान नबूत के वाक़ात को भी हमने जिक्र किया और यूँ फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जब एलान नबूत फ़रमाया और उसके बाद मक्का मक्रमा के अंदर जो मुश्किल थी उनका भी तस्करा किया और फिर मदीन तयबा आपकी हिजरत के वाक़ात को भी बयान किया उसके बाद हजरत मदीना के बाद अल्लाह इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्ला वसम को जो मुख्तलिफ कामयाबियाँ अता फ़रमाईं फ़ते मक् तक के वाकत को भी हमने जिक्र किया और फिर आपका जफ़र हज था उसका भी हमने बयान किया आज नबी करीम वसल्लम की सरत तैयबा के जिस बाब पे मैं बयान करने जा रहा हूँ ये सैरत तैयबा का एक ऐसा बाब है कि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली मरतबा सरत तैयबा की एक किताब पढ़ी और बिल्कुल दौरान तलब इलमी वो मुझे कमरा भी याद है वो मस्जिद का बहूचरा भी याद है कि जहाँ मैं बैठे हर रोज़ ये असर के बाद हमें मताले की इजाज़त होती थी खेलें कूदें या मुाल कर लें तो मैं अक्सर उस वक़्त साथ ये कोशिश होती कि जब भी मौका मिलता कुछ ना कुछ मैं सरत तय्यबा को पढ़ने की कोशिश किया करता था और मुझे आज भी याद है कि पढ़ते पढ़ते जब ये बाब आया तो उस वक़्त हालत अजब थी और आज भी यही कैफियत होती है कि जब आका करीम सल्ला वम के सरत तय्यबा के विसाल मुबारक का बब आता है तो उसे पढ़ते सुनते सुनाते एक दिल के अंदर एक अजब कैफियत होती है मैं ये चाहता हूँ कि आज आप मेरे साथ चले मदीन तयबा के अंदर और वहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के ये जो आख़िरी अयाम थे आपकी ज़ाहरी हयात मुबारक के जो आख़िरी अयाम थे इनको महसूस करें और उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाबे कराम की क्या कैफियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वसीयतें फ़रमा रहे थे और शाबा कराम रद्वानल् तजमाइन को क्या क्या सबक और दर्स दे रहे थे वो तमाम महसूस भी करें और अल्लाह रबुलजत से ये दुआ भी करें कि रब हमें इस दुनिया से जाते हुए क़लमा तैयबा भी नसीब करे आपकी जियारत भी नसीब करे और रोज़े हशर अल्लाह रबुलत हमें नबी करीम सियारत और शफात से बहरहमद फरमाए ये हर साल रमजान मुबारक का मामूल था कि नबी करीम समजान के आखिरी दस दिनों के अंदर एहतिक फरमाया करते थे लेकिन दस हिजरी को नबी करीम मुबारक के महीने में बीस दिनों का इतकफ़ फरमाया यूं ही यह भी मामूल था कि नबी करीम अलैहि वसल्लम हर साल मुबारक के महीने में जितना कुरान हकीम नाजिल हो चुका होता वो अलैहि सलाम के साथ उसका दौर फरमाया करते थे हजरत अलैहि सलाम नबी करीम वसल्लम को सुनाते और नबी करीम वसल्लम हज़रत अलैहि सलाम को कुरान हकीम की तिलावत सुनाया करते थे ये मामूल इसी तरह से जारी था मगर दस हिजरी को नबी करीम ने मुबारक के उस महीने के अंदर ये दो मरतबा दौर फरमाया और पहले का जो मामूल था उससे हट कर ये इस बार मुबारक के अंदर दौर हुआ फिर उसके बाद नबी करीम जब सफ़र हज का इरादा फरमाया और सहाबे के राम रदवानल ताल मजमा मशरक़ मगरब शुमाल जुनूब जहाँ जहाँ तक खबर पहुँची वो मदीना तैयबा पहुँचते चले आए और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि खुदू आनी मनासिका कम कि मुझसे मनासिक सीख लो कि हो सकता है कि इस साल के बाद फिर अगले साल आप लोगों से मुलाकात ना हो तो अभी ये जो हज के मुनासिक हैं इनको अच्छी तरह से सीख लो यूँ नबी करीम अलैहि वसल्लम हज के सफ़र पर रवाना हुए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए मख्तलि शहबा कराम मुख्तलि कौम कबाइल वो आके मिलते चले गए और एक बहुत बड़ा इज्तम हज के मौका पर जमा हो गया नबी करीम अलैहि वसम ने वहाँ पर वो अज़ीम खुतबा अरसाद फरमाया कि जो तारीख़ इंसानियत के अंदर एक अहम तरीन खुतबा एक अहम तरीन बयान और एक अहम तरीन नसीहत हमें दस्तावेज़ के तौर पर समझा जाता है जिसके अंदर नबी अलैहि करीमल ने दीगर चीज़ों के साथ साथ इंसानियत की हरमत और इंसानियत की अज़मत को उजागर फरमाते हुए ये ख़ास तौर पर इर्शाद फरमाया कि ए लोगों याद रखो कि किसी को किसी दूसरे पर रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी किस्म की कोई अजमत कोई बरतरी हासिल नहीं है कोई काला है गोरा है अरबी है अजमी है सुरख है सफ़ेद है रंगो नस्ल की बुनियाद पर कौम कबीले की बुनियाद पर किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है और फिर नबी करीम सल्ला वल् ने दीर चीज़ों का भी तस्करा फरमाया यही वो था कि जहाँ पर कुरानीम की वह आखिरी आयत मुबारक नाजल हुई जिसके अंदर तकमील दीन और दीन की तकमील का वादा और एलान रबत अला की तरफ से हुआ और इर्शाद फ़रमायाकमस्लाम दीना नबी करीम सल्लाम ने इसी मौके पर सहाबा कर राम रानल तजमाइन के इस अज़ीम इजम को मुखातब करते हुए एरशाद फरमाया क्या मेरे सहाबा वो जो अमानत अल्लाह रबालसत ने मेरे ज़िम्मे सौंपी थी वो जो पैगाम देकर मुझे भेजा गया था क्या वो पैग़ाम मैंने आप तक पहुँचा दिया तो तमाम सहाबा के राम रद्दाल् तम अजमाइन ने बयक ज़ुबान अर्ज़ किया कि या रसूल अल्ला वसलम तर रसाल वलमाना या रसूल अल्लाह वसलम आपने उस अमानत को और उस पैग़ाम को पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया और फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगा में अर्ज़ किया किबारी ताला तो भी गवाह हो जा और तेरे ये बंदे भी गवाह हैं कि जो ज़िम्मेदारी तूने तो मुझे सौंपी थी वो मैंने अदा कर दी और तेरा पैगाम तेरे बंदों तलक पहुँचा दिया नबी करीम सल्लाम हज के बाद वापस तशरीफ़ ले आते हैं और आगे ग्यारहवीं हिजरी का आगाज़ हो जाता है अब मुख्तलिफी चीज़ें हो रही हैं कि जिनसे अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सक़् आकर आपके विशाल मुबारक के लम्हत करीब से करीब तर आते चले जा रहे हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ ले जाते हैं अहद और ग़बा अहद के अंदर जो शहदा हुए उनके मज़ारा पे आप तशरीफ़ ले गए जिसमें आपके अम्म मोहतरम सैद हमज़ा रजील् अन्हु भी शामिल थे तो उनके मज़ारात पे आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर ख़ास तौर पर नबी करीमल व उनके लिए दुआ का अहतमाम फरमाया फिर चंद रोज़ बाद नबी करीम सल्ला वसम्म जन्नतबी तशरीफ़ ले जाते हैं हज़रत अबू महबा रज़ी अल्लाह तहों के साथ और आप वहाँ पर अहल बक़ी के लिए भी खसूसी दुआ के अहतमाम फरमाते हैं और फिर नबी करीम सल्ह वसम हज़रत अबू महबा रज़ील् तैं से फ़रमाते हैं कि या अबाबा ओती तो मफ़ाति हा ख़ा इन दुनिया ए अब महबा मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ अदा कर दी गई हैं और मुझे इख्तीार दिया गया है कि चाहूँ तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहूँ और चाहूँ तो अपने रब के पास चला जाऊँ हज़रत अबू महबा रज़ील्ला तुमने बेख्तियारर्ज़ किया फ़ौरन भी कि अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह अख्तरत दुनिया या रसूल अल्लाह सल्लिक वसलम मेरे माँ बाप आप परबान हो जाएँ आप हमेशा इस दुनिया के अंदर हमारे साथ रहने को इख्तियार फरमा लीजिए कि हम आपको तकते रहें आपकी सोबत से फ़ायदा उठाते रहें और यूँ हमारी ये दुनिया भी एक जन्नत का नमूना पेश करते रहे नबी करीम सल्ला वसम ने फरमाया नहीं बल्कि मैंने आख़रत को इख्तियार कर लिया है और अपने रब की मुलाकात को इख्तियार कर लिया है आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए और चंद दिनों के बाद जन्नतुल बकी के अंदर ही एक जनाजा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं और इस दौरान आपने बदन अकदस के अंदर कुछ कमज़ोरी सी महसूस की साथ बुखार शुरू हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर दर्द शुरू हो गया तो अब काफ़ी इसके अंदर इजाफ़ा होता चला जा रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से घर तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीका सदी रज़ील्ल्ला तहा भी दर्द सर के अंदर मुबतला थी और आपको भी सर के अंदर शदीद दर्द महसूस हो रहा था तो वो कराहते हुए अर्ज़ करने लगें कि वार असा या रसूल अल्लाह वारसा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सर मेरा सर तो वो कराहती चली जा रही थी और अपने सर की जो तकलीफ थी उसका इजहार कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बल आना व राा या आयशा बल आना वार असा या आयशा आयशा इस वक्त तो मेरे अपने सर की यही कैफियत है कि उसके अंदर शदीद किस्म का दर्द चल रहा है नबी करीम अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा था हर दिन आपकी बीमारी बुखार तकलीफ़ दर्द के अंदर इजाफा हो रहा था लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सजवाज बतहरा के यहाँ उनकी बारीों के मुताबिक तशरीफ़ ले जाते थे और इस हालत के अंदर भी आपको हक़ूक इबाद का पूरा ख्याल था और आप नहीं चाहते थे कि किसी के भी हक़ की तलफी हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात उनकी बारी के मुताबिक अजवाज मतहरात के पास तशरीफ़ ले जाते मगर आप हर रोज़ ये पूछ रहे थे कि ऐन अना गदन कि कल मेरा किस के यहाँ क्याम है अजवाज मतहरत को अंदाज़ा हो गया कि नबी करीम सल्ला वसलम इस तकलीफ़ के अंदर किसी एक जोजा मतहरा के यहाँ कयाम फ़रमाना चाहते हैं लेकिन आप ओपनली फरमा नहीं रहे तो फिर तमाम असवाज मतहारत जमा हुई और हुजूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसलम हमें यूँ महसूस होता है कि आप किसी एक के यहाँ क़्याम फरमाना चाहते हैं तो आप इर्शाद फरमाइए जिसके यहाँ भी आप क्याम करना चाहते हैं हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा तो नबी करीम सल्हुस वसम ने फरमाया कि मैं आयशा रबी अल्लाह ताली के यहाँ क़्याम करना किय चाहता तो अजवा ज मतःरात रजवानल् अज़म़ाइन ने बखुशी से कबूल किया और नबी करीम सल्ला वसम हज़रत आयशा से देकर रजील्ला तहा के यहाँ तशरीफ़ लाए मगर इस कैफ़ियत के अंदर कि एक तरफ़ से हजरत फजल रजील्ल्ल तनों ने आपको थाम रखा था और दूसरी जानब से सदी उलमरत रजील् तनों ने आपको थाम रखा था और बड़ी मुश्किल से आप चलते चलते आहिस्ा आहिस्ता आप हज़रत आयशा से देकर रजाल तन के हाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आपने क़्याम फ़रमाया उधर सहाब कराम ताल मजमाइन भी नबी करीम सल्ला वसल् की इस कैफियत से आगाह थे और उन्हें भी अंदाज़ा था कि नबी करीम सबीयत मुबारक मुसलसल ख़राब होती चली जा रही है उसके अंदर तकलीफ़ के अंदर शिद्दत आती चली जा रही है तो वो भी काफ़ी गमगीन थे काफ़ी उदास थे सहाबा कराम रद्वानल ताल मजमाइन की इस कैफ़त को सामने रखते हुए नबी करीम सल्ह वसलम ने उन्हें खुतबा देने का इरादा फरमाया तो आप लेकिन बदन के अंदर नकाहत महसूस फ़रमा रहे थे तो आप एक पत्थर के बने हुए टब के अंदर तशरीफ़ रखते हैं और फरमाया कि मेरे ऊपर पानी बहाओ तो सात पानी की मशकें आपके ऊपर बहाई गईं नबी करीम वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस फ़रमाया तो आप मस्जिद के अंदर मंबर पर तशरीफ़ ले गए इस हाल में कि आपके सरे अकदस पे पट्टी बंधी हुई थी और आपके मुबारक शानों पे एक कंबल सा था कि जो आपको एक उस कैफ़ीत के अंदर एक तरह से सुकून पहुंचाने का ज़रिया बन रहा था तो नबी करीम वसल्लम अब मिंबर पे तशरीफ ले गए और वहाँ पे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब के राम रद्वानल् तजमाइन को कुछ नसीहतें फरमाई उस कैफियत के अंदर भी सबसे पहली जो नसीहत थी वो तौहीद के हवाले से थी और शिर्क से बचने की तलकिन थी फरमाया तुमसे उनसे पहले यहूद नसारा ने अपने नबियों की कब्रों को इबादत गाह बना लिया था तो वहाँ पे सजदे करना शुरू हो गए और उन्हें ही उन्होंने पूजना शुरू कर दिया था उनकी कब्रों को उन्होंने अपनी इबादत गाह बना लिया था तो ला तजालू कबरी ही तो मेरी ख़बर को इबादत गाह मत बनाना वहाँ पर जाके सजदा रेज़ मत होना और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैफियत के अंदर भी क्या इरशाद फरमाया अंदाज़ा करें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ूक इबाद का किस हद तक ख़्याल है कि आपने उस मौका पर इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा कर राम रद्वानल्ला मजमाइन मन कुंत जलत तो लहू जहरा फहादा जल्दी ए मेरे सहाबा कर राम रद्बाल्ला तजमाइन अगर मैंने तुम में से किसी की भी पीठ पर कोई ज्यादती करते हुए कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है तुम इस पर कोड़ा मार कर अपना बदला ले सकते हो फिर आका करीम सल्ह वसम ने फरमाया कि अगर मैंने तुम में से किसी से भी माल ले रखा हो और मुझ पर किसी का कर्ज़ हो तो मेरा माल हाज़िर है उसमें से अपना हक़ वसूल करते चले जाओ यूँ फिर नबी करीम सल्म ने अनसार के हवाले से खूसी वसीयत फ़रमाई अल्लाह अल्ला बिल अंसार अ मेरे सहाबा अनसार के मामले में अल्लाह से डरते रहना अगर उनमें से किसी से कोई ऊँच नीच हो भी जाए तो उससे दरगुजर करना फिर नबी करीम सल्ला वसलम मज़दीद नसीहतें फ़रमाते हैं हज़रत उसामा बिन ज्यादात रज़ी तन को मुकर फरमाया था कि आप उस लश्कर की सरबराई करें तो कुछ लोग उस पर बात कर रहे थे कि ये तो बहुत ही अभी अर्ली एज में हैं यंग हैं तो ये कैसे इस अहम मुहिम की सरबराही करेंगे तो नबी करीम ने फरमाया कि तुमने इससे पहले के वालिद के हवाले से भी बातें की थी लेकिन ये इस पोजीशन के मुस्तक भी हैं और ये इसको अच्छी तरह से लीड भी करेंगे तो हज़रत उसामा बिन जैद रसी तहु के हवाले से नबी करीम सहाब कर क्राम को नसीहत फरमाई और उस लश्कर को भी तैयार किया और फिर मजीद नसाये फरमा कर आप वापस अपने काशान अकनसप तशरीफ़ ले आते हैं अब ये आपकी तबीयत के अंदर एक बीमारी की शदत के अंदर भी इजाफा हो रहा था लेकिन उसके बावजूद आप नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ने का अहमाम फरमा रहे थे ये जमात का दिन था नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ भी जाके मस्जिद के अंदर जमात के साथ अदा फरमाई जहर में भी आपने इमामत फरमाई असर मगरब आपने इमामत फरमाई मब के बाद नबी करीम सल्ला वसलम की तबीयत मुबारक के अंदर कुछ मज़ीद परेशानी लाक होना शुरू हो गई और अब नबी करीम अलैहि वसल्लम पर एक गशी किसी सी थी और उधर नमाज का वक्त हुआ चाहता था इशा का वक्त हुआ चाहता था सुहाब कराम रजवानल ताल मजमाइन थे आका करीम सल्हु वसलम ने जबराफाक़ा महसूस किया तो हज़रत बिला रजील् तन हज़ूर की खदमत में हाज़िर थे तो उनसे पूछा किसल नाज़ क्या लोगों ने नमाज़ अदा कर ली है तो नबी करीम सल्हल्म की खिदमत में हज़रत बिला रजील् तैन ने अर्ज़ किया कि या रसोल्ला सल्ला सल वसम्ल मल्यन तजी रोनक या रसोल्ला बिल्कुल नहीं वो तो आपके इंतज़ार कर रहे हैं तो अब बाका करीम सल्ला वसलम ने फ़रमाया कि मुझे पानी बहाओ के बुखार की शिद्दत थी फरमाया कुछ पानी बहाओ पानी बहाया गया थोड़ा सा आपने फाका महसूस किया फिर उठे कि मैं मस्जिद के अंदर जाऊँ लेकिन फिर नकाहत तारी हो गई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तशरीफ़ ले जा सके फिर वही एक अच्छी किसी कैफियत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद जब दोबारा फिर से आपको कुछ इफाक़ा हुआ तो फिर आपने पूछा कि असल नास क्या लोगों ने नमाज़ अदा कर ली है तो हज़रत बिलाल रज़ी बिल रज़ील्ला तुमने फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलियंत से उनक वो सहाबा कर आपके बगैर कैसे नमाज अदा कर सकते हैं पिछले बाईस तेईस बरस से वो आप ही की इमामत के अंदर नमाज़ें अदा करते रहें वो आप ही की क़्यादत के अंदर मुख्तलिफ जंगों के अंदर शरीक होते रहें वो आप ही की क्यादत के अंदर मक्का मुकरमा के अंदर मुख्तलि सौबतें बर्दाश्त करते रहें वो आप ही के इशारे पर अपनी जाने लुटाने के लिए हदैैबिया के मौका पर आप के दस्त अकदस पर बैत करते रहें वो हर लम्हा आपके पीछे खड़े रहें वो कैसे नमाज़ अदा कर सकते हैं आप के बगैर मलियंत से रौनक और खुदा की कसम सहाब के राम रद्वानल् त लु की नबी करीम सल्ह वसम से वह जो महब्बत का आलम था चाहे वो सारी ज़िंदगी भी उन्हें इंतज़ार करना पड़ता तो वो वहीं पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहते मगर फिर तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरू अबू बकर अबा बकर अबोबकर रज़ी अल्लाह को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ उनकी इमामत करें अब यह भी मरहला ख़ुद जनाब अबो बकर सदीक रज़ी अल्लाह तनों के लिए भी आसान नहीं था सहाबा के राम के लिए भी आसान नहीं था खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसा दराज से उनकी इमामत फ़रमाते चले आ रहे थे तो ये अचानक ये पहली मरतबा जब ये मामला हो रहा था तो ये सभी पर बड़ा शाख गुजर रहा था हजरत आयशा से देकर रजी अल्लाह तैन ने अर्जिया सल्लल्लाहु अलैहि वसलम हज़रत अबू बकर तो बड़े नरम दिल हैं तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा लेकिन अभी करीम सल्ला वसम्म ने मज़ीद इस फरमाया और बार बार हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर रजी अल्ला से कहा जाए कि वह नमाज़ की हमामत कराएँ यूँ जनाब अबू बकर से रज़ी अल्लाह तुनों ने हमामत कराई मगर वो रात साहबा के राम रदवाना ताल मजामन पर बड़ी भारी थी क्योंकि ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि वो इस मसद नबी के अंदर आका करीम सल्ला वसल्लम की इमामत में इस वजह से नमाज नहीं अदा कर पा रहे थे कि आका करीम सल्ला वसलम की तबीयत मुबारक के अंदर इफाक़ा नहीं हो रहा था और आपकी बुखार के अंदर दर्द के अंदर शिद्दत में मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा था सिसकीों से और दुआओं से आहों से वो रात गुजरती है और उधर घर के अंदर हज़रत आयशा सदी रज़ील्ला तभी भी नबी करीम सल्ला वसलम के पास बैठी हैं कुर हकीम की तिलावत करती जाती हैं कोई भी ज़रूरत है भाग के हज़ूर की, की खदमत में हाज़िर होती हैं आका करीम सल्ला वल् की खिदमत में शब रोज़ एक किए हुए हैं औरम की तलावत करती हैं पे साथ साथ दम करती जाती हैं मुख्तलि आयात मख्तलिफ़ पढ़ती जाती हैं अल्लाह की हजूर दुआ भी करती हैं और साथ साथ दम करती जाती हैं नबी करीम सल्ला वसम की तबीयत मुबारक के अंदर यही कैफियत जारी रही फिर जुम्मा के दिन भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ न ला सके फिर बाज़ रवायात में हफ्ता या इतवार की ज़ोहर के वक़्त नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कुछ इफ़ाका महसूस फ़रमाया तो आप तशरीफ़ लाए और आपने ज़ोहर की नमाज़ की हिमामत फ़रई हज़रत व बकर सदीक रज़ील्लान भी साथ मौजूद थे और इस तरह से आपने उस नमाज़ को मुकम्मल फ़रमाया उसके बाद फिर नबी करीम की मौजूदगी की वजह से सहाबा कर खुश थे कि आज नबी करीम अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद थे और नमाज के अंदर मौजूद रहे तो वो बड़ी खुशी खुशी घरों को वापस लौटे मगर असर की नमाज़ के वक़्त फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबीयत की कमज़ोरी की वजह से तशरीफ़ न ला सके थे सहाबा कराम रिदवानल् तजमाइन पर फिर उदासी छाई हुई थी वही एक कैफियत थी कि उनके दिलों के ऊपर इंतहाई शाख था यह अमर अगले रोज़ फिर नबी करीम सल्ला वल् ने पीर की जब सुबह फ़जर की नमाज़ का वक़्त था हज़रत हज़त एबर सदीक रिस तू नमाज़ की इमामत फ़रमा रहे थे नबी करीम सल्ला व्ल् ने कुछ इफाक़ा महसूस फ़रमाया तो आपने अपने हजरा मुबारक से जो एक चादर थी जो एक पर्दा था वो थोड़ा सा हटाया सहाबा कर राम जदवानल तुम नमाज़ अदा कर रहे थे अल्लाह के हजूर खड़े थे उनकी नमाज़ें क्या नमाज़ें थीं कि जिसके अंदर अल्लाह की महब्बत भी थी तकवा भी था खुशबू भी था खजू भी था वो अल्लाह के हुजूर खड़े थे बड़ी महब्बत के साथ मगर आका करीम अलैहि वसम ने जब थोड़ा सा पर्दा हटाया आका करीम सल्लाम ने तबसुम फरमाया तो गोया पूरी मस्जिद रोशन होती चले गई सहाबा कर राम रद्वानल्लाजमाइन खुशी से बेताब हो गए वो अभी करीब थे कि अपनी नमाजें तोड़ देते हज़र बब बकरीक रज़ील्लान्हों पीछे हटने को तैयार हो चुके थे मगर आका करीम सल्हलम ने इशारा फरमाया कि अपनी नमाज़ को मुकम्मल करो यूँ सब कराम रजवानल् ताल मजमाइन ने अपनी नमाज मुकम्मल फ़रमाई अगले रोज़ मंगल के दिन नबी करीम सल्लासम ने अपनी फैमिली के मंबर्स को बुलाया जिसमें सैदातमत ज़हरा रजी अल्लाह तहज़ूर की खदमत में जब हाज़िर हुई तो नबी करीम सल्ला वसलम की कैफियत को देखते ही ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी कि वा करबाब था वाह करब अभी कि मेरे वालिद किस कदर तकलीफ़ के अंदर हैं नबी करीम सल्लाम ने फरमाया क्या मेरी बेटी आज के बाद वालिद पे कोई करब नहीं होगा कोई तकलीफ़ नहीं होगी हजरत सैद तो ना फ़ातिमा ज़हरा रज़ील तह नबी करीम सल्ला व् केरीब तशीफ़ें जाती हैं वो अपनी साहबजादी से महब्बत का इजहार फ़रमाते हैं कुछ उनके कान में बात करते हैं तो हज़रत फ़ातिमात ज़हरा रजील्ल्ल् तह रोना शुरू कर देती हैं फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कुछ अर्शात फरमाया तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और ये रिवायत हम तक जनाब सैदा आयशा से देकर रजिए तहा के तवसत से पहुँची है कि हज़रत आयशा से देकर रजाल्ला फरमाती हैं कि मैंने पूछा बाद में कि किए फातिमा वो क्या बात थी रजाल तहा कि आपने सुनी तो आप उदास हो गई फिर दूसरी बात हुजूर ने फरमाई तो आप खुश हो गई तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ील तन ने बताया कि पहले जब नबी करीम सल्ला वसम ने यह बताया कि मैं अपने रब के हजूर हाजिर हो रहा हूँ और अब वक्त आखिर आप पहुँचा है तो मैं बड़ी उदास हो गई फिर नबी करीम सल्ला वसम ने फरमाया कि अातिमा क्या आप इससे खुश नहीं हों कि मेरे फैमिली के अंदर मेरे जाने के बाद सबसे पहले आप मुझसे आ मिलोगी और आप जन्नती औरतों की सरदार होगी फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को बुलाया उनसे महब्बत का इजहार फरमाया और वो कितनी हुजूर उनसे महब्बत किया करते थे कि जिनके लिए नबी करीम अलैहि वसल्लम अपने सजदों को लम्हा कर दिया करते थे और जिनको आप अपने ख़ुतबों के अंदर नबी करीम सल्स ख़ुतबा जुमा को छोड़ उनको जाके उठा ले और उन्हें अपनी गोद के अंदर बिठा लिया करते थे आज नबी करीम अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये आखिरी मुलाकात है अब बड़ी महब्बत के साथ हसन अल से महब्बत का इज़हार फरमा रहे थे और उनके हवाले से आपने नसीहत भी फरमाई कि मन अहब्ब हसन व हुसैन जिसने हसन हुसैन से महब्बत की गोया उसने मुझसे महब्बत की और जिसने मुझसे महब्बत की अल्लाह उससे महब्बत फरमाता है नबी करीम वसल्लम ने उसी मौका पर साहब कराम ताल मजमाइन को जिन चीज़ों की वसीयत फरमाई उसमें असला अला नमाज़ की आपने तलकीन फ़रमाई और साथ साथ फिर आपने गुलामों के हकूक़ औरतों के हकूक़ को पूरा करने की तलकिन फ़रमाई हज़रत आयशा सेदीका रज़ी अल्लाह तह बयान करते हैं कि नबी सरे सरक़दस मेरी गोद के अंदर था पास प्याला पड़ा हुआ था जिसके अंदर पानी था नबी करीम सम उसके अंदर अपने दस्ते मुबारक डालते और अपने चेहरे अनवर पर फेरते जाते और साथ साथ फ़रमाते अल्ला लिलमौत सकर्रात अल्लाह अल्ला मौत की सख्तियाँ हैं और फिर नबी करीम सल्ला वल्ल आसमान की तरफ़ देख कर इशारा फरमाते हुए आपने फ़रमाया बल रफ़ी खल आल बल रफ़ी खल आल रफ़ी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते करते नबी करीम सल्हसम वहीं पर आपका दस्त अकदस वापस आ जाता है और हज़रत आयशा से दिखा रज़ील् तहज़ा हो गया कि नबी करीम सल्ह वसलम का विसाल हो चुका है जब ये खबर सहाब कराम रद्वानल्ला तजमाइन तक पहुँची तो बेख्तियार उनके आंसू सिसकियाँ आहें बुलंद हो गई मदीन तयबा के अंदर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तलवार लिए खड़े हो गए कि कोई अगर ये कहेगा कि मोहम्मद सल्हल इंतकाल कर गए हैं तो मैं अपनी तलवार से उसका सरकलम कर दूँगा लेकिन जनाब सैदू बकरीक रज़ील्ला मस्द नबी में तशीफ़ लाए आपने पहले आज़त उमर फ़ारूक रजील्ल्ला तुक को समझाना चाहा मगर वो सुनने को तैयार नहीं थे मगर फिर आपने मस्द नबी के अंदर खड़े होकर फरमाया अल्लाह ने कुरान में कह दिया है उमा मुहम्मद रसोल ख़लत मिन कबल रसूल जब यह आयत मुबारक पड़ी सोबा कहते हैं यूँ महसूस हो रहा था कि आज पहली मरतबा हम इस आयत मुबारक को सुन रहे यूँ नबी करीम सल्ह वसलम का वो आखिरी लम्हा करामवानल्हजमाइन के लिए इंतहाई तकलीफ़ देता था रब हमें नबी करीम सल वसम की हक़ीक़ी महबत अता फ़रमाए और रोज़ हशर हमें आप और आपके सहबा कराम के साथ जमा फरमाए, आमीन, आमी नबी नबीमी व आखर उदावाना अनहमदबालमीन